दोस्तों, मनुष्य हमेशा से ही भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचता है, फिर चाहे वो अंतरिक्ष में अपने रहने के लिए कोई दूसरा ग्रह या जगह हो या फिर इस कलयुग का अंत कब होगा, हर चीज के बारे में सोचता है। अब हमें ये तो पता है कि चार युगों में से हमारा कलयुग ही सबसे श्रापित युग माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद कौन सा युग आएगा और वो कैसा होगा? अब कलयुग के अंत के बारे में तो हमें पता है कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे और इस पृथ्वी को एक बार फिर से पाप मुक्त करेंगे, लेकिन कलयुग के अंत में अभी काफी समय बचा हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कुछ बातें बताई थी और इसमें पांच बातें तो ऐसी हैं जो आज सच हो रही हैं। अब ये पांच कड़वे सत्य कौन से हैं, आज हम इन्हीं पर बात करेंगे और किस प्रकार इनके बारे में जानकर हम अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। महाभारत काल में जब पांडव कौरों से अपना सब कुछ हार गए थे, उन्हें वनवास जाना पड़ा था, तो वनवास जाने से पहले सभी पांडव भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। उसी समय उन्होंने भगवान कृष्ण से आने वाले युग के बारे में कुछ प्रश्न किए थे। वो जानना चाहते थे कि आने वाला युग कैसा होगा और उस समय के लोग कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे, कैसे लोग आचरण करेंगे, कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, तब लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडव की बात सुनकर कृष्ण ने वन में जाने की सलाह देते हैं और कहते कि वन में जाकर तुम लोग को जो भी दिखाई देता है वह आकर मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊंगा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर पांडव वन में चले गए और फिर वापस भगवान कृष्ण के पास आकर बताने लगते हैं। सबसे पहले कृष्ण युधिष्ठिर से पूछते हैं कि उन्होंने वन में क्या देखा। युधिष्ठिर कहते हैं कि उन्होंने जंगल में कैसे हाथी को देखा जिसकी दो सूंड थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया, भला एक हाथी की दो सूंड कैसे हो सकती है। इसके बाद अर्जुन ने बताया कि उन्होंने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर तो वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मुर्दों का मांस नोचकर खा रहा था। अब भीम ने कहा उन्होंने कैसी गाय देखी जो अपने बछड़े को ऐसे चाट रही थी कि उसके शरीर से खून बहने लगा। कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा कैसे कर सकती है। सहदेव की बारी आई और उन्होंने कहा कि मैंने एक जगह बहुत सारे कुएं देखे, लेकिन सभी कुएं पानी से भरे थे, जबकि बीच वाला खाली था, जबकि वो तो सबसे गहरा भी था और फिर भी उसमें पानी नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल की बारी आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बड़ी चट्टान को पर्वत से नीचे आते हुए देखा जिसने न जाने कितने पेड़ों को गिरा दिया, उनको कुचलते हुए आगे बढ़ती रही, लेकिन उसे कोई नहीं रोक पाया और अंत में एक छोटे से पौधे के पास आकर वह रुक गई। एक इतनी बड़ी चट्टान जो बड़े बड़े वृक्षों से और चट्टानों से नहीं रुकी, वो एक छोटे से पौधे से कैसे रुक सकती है। सभी पांडवों को शंका में देखकर भगवान कृष्ण ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ कर दिया। उन्होंने दृष्टि से कहा आपने दो सूंड वाला हाथी देखा था, इसका मतलब यह है कि कलयुग में दो मुंह वाले लोग ही राज करेंगे। ये यूं कहिए कि कलयुग में राजा दो मुंह वाले होंगे, वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, वे हमेशा अपने हित को पहले नंबर पर रखेंगे। यदि आपसे आज के परिवेश में किसी ऐसे राजनीतिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए जिसके बिल्कुल दो सूंड दिखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर उसका नाम अवश्य बताएं। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को जवाब दिया, अर्जुन तुमने वेद की ऋचाएं लिखे एक पक्षी को देखा और वो मांस खा रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कहने को विद्वान पुरुष होंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा, उनके मन में यही होगा जल्दी किसी की मृत्यु हो ताकि उसकी संपत्ति उसे मिल जाए या फिर उसका पद उसे मिल जाए या उसकी कुर्सी उसे मिल जाए। कलयुग में कुछ गिने चुने लोग ही वास्तव में संत होंगे, जबकि अन्य सभी के लिए धन ही सबसे पहला होगा। लोग अपनों को ही ठग कर आगे निकलेंगे, लूटपाट और धोखाधड़ी कलयुग में सबसे ज्यादा होगा। अब कृष्ण भीम से कहने लगे कि तुमने जिस माँ को अपने बछड़े पर प्यार लुटाते देखा और उसके शरीर से खून बहने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग का मनुष्य अपनी संतान पर ऐसे ही प्यार लुटाने वाला है, इससे उसके बच्चे का विकास ही रुक जाएगा। एक माँ अपनी संतान को मोह माया से इस तरह बांध देगी कि उसके बच्चे का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। कलयुग में अगर दूसरे की संतान साधु बनेगी तो सभी उसके दर्शन करने जाएंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे, परंतु यदि स्वयं का बच्चा साधु बन जाए तो लोग विलाप करेंगे। कृष्ण ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और पत्नियां उनके पतियों की, और ठीक इसी तरह तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसके बाद सहदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा तुमने जंगल में कई कुओं को देखा लेकिन उसमें एक ही कुआं ऐसा था जो गहरा तो था लेकिन उसमें पानी नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में जिसके पास अधिक धन होगा वह अपने विवाह आदि उत्सवों में धन खर्च करेंगे लेकिन वे उनका दिल इतना पत्थर का होगा कि उनके पास यदि कोई गरीब होगा तो उसकी मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे उस गरीब में उनका अपना ही कोई शामिल क्यों ना हो। लोग अपनी मौज मस्ती के लिए खुद को खुश करने के लिए शराब कबाब जैसी कई चीजों के पैसा उड़ाएंगे और किसी के आंसू नहीं पहुंचेंगे।
कलयुग में धनी लोग अन्न का सेवन करेंगे लेकिन गरीब एक दाने दाने को तरसता रहेगा और ऐसे ही उनकी मौत हो जाएगी। कलयुग के बारे में ऐसी कड़वी बातें सुनकर सभी पांडव दुख से भर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कलयुग में मनुष्य का क्या होगा, कैसे उसका उद्धार होगा और कैसे उसे मुक्ति मिलेगी। अब नकुल की बारी आई और भगवान कृष्ण ने कहा, तुमने एक भारी चट्टान को लुढ़कते देखा जिसे कोई रोक नहीं पाया, लेकिन एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से बह रुक गई। यानी कलयुग में मनुष्य अपनी बुद्धि खो देगा और उसके जीवन को धन रूपी वृक्ष भी रोक नहीं पाएगा, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन का पतन रोकने में सक्षम होगा। यानी कलयुग में अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी हो तो उसे हरि नाम का जप करना होगा, क्योंकि हरि ही एकमात्र मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। व्यक्ति को धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी उसे मरने के बाद भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। अब अगर आपने इन बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपने देखा होगा कि जो भी बातें भगवान कृष्ण ने कलयुग को लेकर पांडवों को बताई थी वो सभी कलयुग में सच हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग के बारे में भगवान कृष्ण ने जो भी बातें कही वो सच हैं और ऐसे ही फिर इसके अंत के बारे में जो बातें भगवान कृष्ण ने बताई थी वे भी सच होंगी। वैसे दोस्तों अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है, पाप इतना बढ़ गया है, जरा सोचिए कलयुग के अंत तक मनुष्य कैसा बन जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।